Hey everyone, I am Richa. Welcome back to Parcham. और आज का जो सेशन है उसमें हम थोड़ा सा मूव करेंगे साइंस, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की तरफ, और इसमें हम पढ़ेंगे वो सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो कि 2020 और 2021 में डिस्कवर हुई, यानी कि पिछले 1.5 साल अप्रॉक्स में जितनी भी नई प्रजातियां पाई गई हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, या जो सुर्खियों में रहे हैं डिस्कवरी की वजह से, उनको आज हम पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली यूपीएससी में, क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है. और क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ के नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम मेमोरी टेक्निक्स जहाँ जहाँ ज़रूरी हो और जहाँ जहाँ प्रॉपरली लग सकती होंगी वहाँ लगाएंगे और याद करेंगे. ओके, टॉपिक पे आगे मूव करें उससे पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चंस बनेंगे किस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में से. सो आपको कोई भी एक स्पीशीज़ का बायोलॉजिकल नेम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है, बताइए ये जो नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है कौन से एनिमल या इंसेक्ट या प्लांट की है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है ये स्पीशीज़ का नाम है तो ये फिशेस की है या काजू की है या फिर पाइपवर्ड्स की है या स्नेक की वैरायटी है. दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि ये नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है ये कौन से स्टेट में इंडिया के डिस्कवर हुई है, ये आपको पता होना चाहिए. या फिर उस स्पीशीज से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर बात पूछी जा सकती है, जैसे कि बहुत हाई इन कैरोटीन मैरीगोल्ड की स्पीशीज़ डेवलप की गई है, वैरायटी डेवलप की गई है, वो भी हम देखेंगे. तो उस कैरोटीन के बारे में पूछा जा सकता है कि बीटा कैरोटीन बॉडी में कौन से विटामिन के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में. सो उससे जुड़ी हुई बात बेसिकली पूछी जा सकती है. ऑलराइट, एंड अगर कोई पिक्यूलियर कलर है उससे जुड़ा हुआ तो वो भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हाल ही में कोई एक टर्टल मिला है उड़ीसा साइड में तो कौन से कलर का मिला है वो आपसे पूछा जा सकता है. सवाल समझ में आ गए मोटे मोटे तौर पे बनेंगे किस तरह से. तो जब भी आप नई स्पीशीज स्टडी करेंगे तो इस लाइट में ही स्टडी करेंगे. ऑलराइट, चलो अब शुरू करते हैं. सो कुछ स्लाइड्स पे आपको क्वेश्चन फॉर्म मिलेगा, कुछ पे हमने सीधी इन्फॉर्मेशन डाली है जैसे जैसे नीड है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, चलिए कोशिश कीजिएगा आंसर करने का. रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हैज बीन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड आफ्टर द स्टेट. देखो एक सवाल इस तरह से बन सकता है कि हाल ही में एक राज्य में या स्टेट में एक सांप की नई प्रजाति पाई गई है और उसका नाम भी उसी स्टेट के नाम पर रखा गया है, बताइए वो वेराइटी, वो स्टेट कौन सा है जहाँ ये स्पीशीज पाई गई है, खोजी गई है. सो असम, अरुणाचल, बिहार या महाराष्ट्र? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. और जो स्पीशीज सांप की यहाँ पाई गई है वो एक पिट वाइपर स्नेक है, पिट वाइपर टाइप में ही. कौन सा स्पीशीज है? ट्राइमेरिसिस अरुणाचलेंसिस. नाम बोलिएगा मेरे साथ में, ट्राइमेरिसिस अरुणाचलेंसिस. तो ये बेसिकली अरुणाचल पिट वाइपर है, पिट वाइपर स्नेक है जो कि अरुणाचल में नई स्पीशीज मिली है और नाम रख दिया गया है अरुणाचलेंसिस. अब देखो यहाँ पे जो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक फर्स्ट नेम एक सेकंड नेम, इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. और आपके लिए पहला सवाल यहीं पे आ जाता है, चलिए मुझे बताइए ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है जिसमें पहला नाम जीनस होता है और दूसरा नाम स्पीशीज होता है, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था? चलिए वो बताइए मुझे, हु गेव बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अब ये चीज़ समझ में आ गई, जब कभी भी आप साइंटिफिक नेम पढ़ोगे किसी एनिमल का या प्लांट का तो उसमें आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखने को मिलेगा. जो पहला नाम लिखा जाता है विद अ कैपिटल फर्स्ट लेटर वो होता है जीनस, और दूसरा जो लिखा जाता है विद अ स्मॉल फर्स्ट लेटर वो होता है स्पीशीज नेम. ओके, सो जीनस और स्पीशीज मिलके बनता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर. किसने दिया है जल्दी से आप मुझे कमेंट करके खट बताओ. चलो अब यहाँ हम आ जाते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया ये एक पिट वाइपर स्नेक है और उसकी नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है. कहाँ हुई है? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में. डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, अदरवाइज अरुणाचल प्रदेश से काम चल जाएगा. और आप फिर भी याद रखना चाहें तो कर सकते हैं. फर्स्ट स्नेक टू बी नेम्ड आफ्टर द स्नेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अरुणाचल पिट वाइपर, क्योंकि पहला ऐसा सांप है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नाम पे जिसको नाम दिया गया है. नाम क्या है? ट्राइमेरिसिस अरुणाचलेंसिस. कैसे याद रख सकते हो? तीन बार में तो मार देता है ये. अब मैं थोड़े थोड़े हिंट्स देती जाऊंगी बिकॉज आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए. क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्राइमेरिसिस अरुणाचलेंसिस
कौन से एनिमल की या कौन से ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है जो या स्पीशीज है जो कि खोजी गई है, स्नेक है, बर्ड है, फिश है, फ्रॉग है, तो आपको स्नेक याद आना चाहिए, ट्राइमेरिसस, 3 बार में मार देता है ये, ओके? ऐसे आप छोटा सा हिंट लेकर के याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. रिसेंटली इन ओडिशा, कहाँ पर बात हो रही है? ओडिशा में बात हो रही है. रिसेंटली इन ओडिशा अ न्यू टाइप ऑफ टर्टल, पानी वाला जो कछुआ होता है, टर्टल हैज बीन डिस्कवर हुआ है. द टर्टल इज वॉट इन कलर, क्या कलर है इस टर्टल का जिसकी अभी खोज हुई है हाल ही में? तो ग्रीन, पिंक, ब्लू या येलो? आंसर इज येलो. येलो कलर का एक टर्टल ओडिशा में पाया गया है. फ्लैप शेल टर्टल का एक टाइप है ये, फ्लैप शेल, और ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है. और ये येलो क्यों है? क्योंकि ये एल्बिनिज्म के कारण है. एल्बिनिज्म क्या होता है? जिसमें आपके स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट अगर बॉडी में मिसिंग होता है या कम होता है तो एल्बिनिज्म होता है. ह्यूमंस में भी ये चीज़ होती है. व्हाइट स्किन वाले जो लोग होते हैं जिनमें मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी में नहीं होगा तो एल्बिनिज्म इंसानों में होता है. और सिमिलरली इस कछुए में या इस टर्टल में जो एल्बिनिज्म है वो कौन से पिगमेंट की कमी के कारण है? टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. टायरोसिन पिगमेंट की वजह से इस टर्टल का कलर येलो हो गया है. और ये जो टर्टल है, ये जो फ्लैपशेल टर्टल है, कॉमनली पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार इस रीजन में देखा जाता है, लेकिन येलो कलर का नहीं होता. येलो कलर का एल्बिनिज्म के कारण हुआ है. ठीक है, सो एल्बिनिज्म अब आपको समझ आ गया. ये एक कॉन जेनिटल डिसऑर्डर है, यानी कि बाय बर्थ जेनेटिक्स की वजह से डिसऑर्डर होता है जिसमें कि एब्सेंस होती है टायरोसिन पिगमेंट की. फाइन, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं. ओहो, अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमने सीधे पॉइंट रख दिया है. 3-banded रोज फिंच, कौन सी बर्ड के बारे में अब हम बात कर रहे हैं? रोज फिंच ये एक बर्ड है जिसको कार्पोडेकस ट्राइफेसिएटस भी कहा जाता है. ट्राइपोडेकस ट्राइफेसिएटस, और नॉर्मल भाषा में बोलें तो रोज फिंच. ये एक चिड़िया है जो कि ओरिजिनली कहाँ की है? ये चाइना की बर्ड है. पहली बार इंडिया में देखी गई है. कहाँ देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश के बहुत ऊपर ऑल्टीट्यूड के फॉरेस्ट्स में देखी गई है. और चाइना में भी ये बहुत ऊंचाई पर ये चिड़िया मिलती है, लेकिन जिस ऑल्टीट्यूड पे नॉर्मली मिलती है उससे भी बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स पे अरुणाचल में ये देखी गई है. और मेनली ये चाइना की है, पर भूटान में भी देखी जाती है कई बार. तो साइंटिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है चाइना से भूटान जाते टाइम ये अरुणाचल में रुक गई हो और उस टाइम ये स्पीशीज़ इंडिया में डिस्कवर की गई हो. तो ऐसी बर्ड स्पीशीज़ नई है जो कि पहली बार इंडिया में पाई गई है. अदरवाइज ये नेटिव कहाँ की है? चाइना की है. सो न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड एज 3-banded रोज फिंच. क्या नाम है? रोज फिंच. रोज देखने को नहीं मिलती है रोज फिंच. और इसका देखो कलर, देखो ये रेडिश कलर ही आपको दिख रहा है, तो इसलिए इसको रोज फिंच याद रखेंगे आप. और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाले कॉनिफरस फॉरेस्ट में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है. चाइना, अरुणाचल, भूटान, थोड़ा सा ज्योग्राफिकली सेट कर लेना दिमाग में. एंड वैसे रेजिडेंट है सदर्न चाइना की, लेकिन वेग्रेंट है भूटान की भी, यानी वहाँ भी घूमती हुई आती जाती हुई दिख जाती है. नेक्स्ट, न्यूली फाउंड स्कॉर्पेनोस सिस नेग्लेक्टा फिश इज लोकली कॉल्ड. अब एक नई फिश देखी गई है, उसको डिस्कवर किया गया है, उसका साइंटिफिक या जुअलॉजिकल नेम क्या है? स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा. स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा, और इसको लोकली क्या कहा जाता है? ये तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया. इसको स्कॉर्पाइन फिश बोलते हैं, स्कॉर्पियन फिश बोलते हैं, स्कॉर्पोरस फिश बोलते हैं, इनमें से कोई भी नहीं. आंसर इज स्कॉर्पियन फिश. इसको स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है. और जूलॉजिकल नेम क्या है? स्कॉर्पेनोप्सिस निग्लेक्टा. तो आप इसे बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बिच्छू की तरह डंक मारती है. अगर आपको कहीं दिख जाए तो दूर हो जाना है. ठीक है, तो स्कॉर्पेनोप्सिस में स्कॉर्पियन वर्ड आ रहा है और निग्लेक्टा निग्लेक्ट नहीं करना है. तो ये वेराइटी किसकी है? फिश की है. ये स्कॉर्पियन की वेराइटी नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट अ स्पीशीज ऑफ स्कॉर्पियन. ये याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए ये एक नईली न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज है. किसकी है? फिश की है, क्रोकोडाइल की है, फ्रॉग की है या स्कॉर्पियन की है? तो फिश की वैरायटी है. अब स्कॉर्पेनोप्सिस नेग्लेक्टा के बारे में देख लेते हैं. रिसर्चर्स एट सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, उन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार में ये डिस्कवर की है. गल्फ ऑफ मन्नार
तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, ठीक है। सो गल्फ ऑफ मन्नार में ये डिस्कवर की है सेतुकराई कोस्ट के आसपास, और इसको लोकली स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है बिकॉज इसकी जो पूंछ आपको दिख रही है ये वीनमस होती है, इसमें जहर होता है, और अगर ये मार दे ये पूंछ तो जहर फैल जाएगा सामने वाले की बॉडी में। एंड ये इसकी जो स्पाइन है यहाँ पे भी, ये देखिए स्पाइन पे भी इसके स्टिंजिंग कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट होते हैं जिससे कि वहाँ से भी ये डंक मारिए बोलिए या फिर चुभा देती है। एंड इसमें एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की, जैसे ऑक्टोपस में ये फीचर होता है, ऑक्टोपस अपने वातावरण के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है। स्कॉर्पियन लैंड, स्कॉर्पियन नहीं सॉरी, कैमिलियन लैंड पे, कैमिलियन यानी कि गिरगिट लैंड पे चेंज कर लेता है कलर, इसी तरह से फिश जो है स्कॉर्पियन फिश ये भी अपने वातावरण के हिसाब से कलर चेंज कर लेती है ताकि जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बच सके, ठीक है। तो स्कॉर्पियन फिश स्कॉर्पिनोप्सिस निगलेक्टा फिश की वैरायटी है, कहाँ मिली है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिली है, और कलर चेंज कर सकती है, और इसकी जो टेल होती है वो वीनमस होती है, और उसको लोकली स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश, वापस हम पहुंच जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अभी तक हमने अरुणाचल प्रदेश में क्या देखा, अरुणाचल पिट वाइपर देखा और रोज फिंच देखी, वेरी गुड। सो रिसेंटली इन अरुणाचल प्रदेश अ न्यू स्पीशीज ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड आफ्टर सालाजर स्लिथरिन। सालाजर स्लिथरिन, अगर आप हैरी पॉटर फैन हैं तो इस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं जिक्र आपने सुना होगा। सो स्लिथरिन जो था, सालाजर स्लिथरिन, उसके नाम पे एक एनिमल वेराइटी जो नई मिली है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम रखा गया। अब वो कौन सी जो प्रजाति है वो किसकी है, वो स्नेक की है, बटरफ्लाई की है, कैडिस फ्लाई की है, या फिश की है, किसकी है? स्लिथरिन है तो सांप से रिलेटेड होगा, वेरी गुड। सो स्नेक की एक स्पीशीज है। अब एक तो हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश पिटवाई पर, अब एक और स्नेक है जिसका नाम सालाजर स्लिथरिन के नाम पे रखा गया है और वो भी अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। उसका नाम देख लेते हैं, ट्राइमेरिसिस सालाजर, ट्राइमेरिसिस सालाजर। तो देख लीजिए ट्राइमेरिसिस, ये भी वही आपका जीनस सेम है, वहां पे अरुणाचलेंसिस था, यहाँ पे सालाजर है, ओके। देन इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट्स, हर्पिटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो जो कि रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं। रेप्टाइल जैसे कि स्नेक हो गए, एम्फीबियन जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, है ना। तो जो इनकी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हर्पिटोलॉजिस्ट। तो इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट ने एक नई डिस्कवर की है वाइपर, वो भी वाइपर्स फैमिली था, ओके, ये भी वाइपर फैमिली का है, इन द पाके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, और इसको नाम रखा गया है सालाजर स्लिथरिन के नाम पे, और इसका जो नेम है ट्राइमेरिसिस सालाजर, जो कि सालाजर पिट वाइपर हो गया, ओके। और देखो ट्राइमेरिसिस क्यों है, बिकॉज दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दोनों पिट वाइपर्स हैं। चलिए, स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ऑन अर्थ, हाल ही में डिस्कवर हुआ है सबसे छोटा रेप्टाइल अर्थ का, देखो फिंगर पे भी इतना छोटा सा रेप्टाइल आ रहा है। सो ये कहाँ मिला है, मेडागास्कर, एंड जर्मनी के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, और ये एक कैमिलियन है, कैमिलियन यानी गिरगिट, गिरगिट है ये, रंग बदलेगा हाँ लेकिन बहुत छोटा है, और स्मॉलेस्ट रेप्टाइल इसको माना जा रहा है वर्ल्ड का, और इसका नाम रखा है ब्रूकेसिया नाना, ब्रूकेसिया नाना। तो आपकी फिंगर पे बैठा भी हम बोल रहे हैं रेप्टाइल, आप बोल रहे नाना, इतना छोटा रेप्टाइल नहीं हो सकता, नाना नाना ना। सो ब्रूकेसिया नाना आप याद रखेंगे, एंड इट इज जस्ट 13.5 मिलीमीटर लॉन्ग, ओके। ब्रूकेसिया नाना सबसे छोटा रेप्टाइल है, मेडागास्कर जर्मनी के साइंटिस्ट ने इसको खोजा है, एंड 13.5 मिलीमीटर लॉन्ग। नाउ क्वेश्चन आता है, चलो ट्राई करिएगा, रिसेंटली अ टाइप ऑफ कैडिस फ्लाई स्पीशीज। नाउ कैडिस फ्लाई एक तरह का इंसेक्ट है, इट इज अ इंसेक्ट, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी आई एम श्योर, हाँ है ना। तो नई तरह का इंसेक्ट है इसलिए आपने पहले देखा नहीं होगा, पर आप देख लीजिए, जैसे आप झींगुर बोलते हो, झींगुर एक इंसेक्ट होता है, कॉकरोच एक इंसेक्ट होता है, इसी तरह से कैडिस फ्लाई एक इंसेक्ट है। हाल ही में उसकी एक स्पीशीज डिस्कवर हुई है और उसका नाम COVID-19 वायरस से इंस्पायर होके या उसके नाम पे रखा गया, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस स्पीशीज का नाम बताइए, ठीक है। तो कैडिस फ्लाई इंसेक्ट की एक स्पीशीज है जिसका नाम COVID-19 वायरस के नाम पे रखा गया है, उस स्पीशीज का नाम क्या है, पोटामोफाइलैक्स कोरोना वायरस, साइनोफाइलैक्स कोरोना वायरस, ट्राइकोप्टेरिस कोरोना वायरस, प्लेसोप्टेरिस कोरोना वायरस। आंसर इज पोटामोफाइलैक्स कोरोना वायरस।
सो पोटामोफाइलैक्स कोरोना वायरस ये जो स्पीशीज है ये बेसिकली कोसोवो में देखी गई, इंडियन डिस्कवरी नहीं है ये, कोसोवो यूरोप के अंदर की गई और वहाँ पे भी बेशकेत ए नेम्यूना नेशनल पार्क में ये वहीं पाया गया ये जो इंसेक्ट था। बहुत छोटा है, अलग अलग हैबिटेट में रहता है, हायर ऑल्टीट्यूड में भी पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा एक इंसेक्ट है जो कि कैडिस फ्लाई स्पीशीज़ है। कौन सी स्पीशीज़, कौन से टाइप का इंसेक्ट है? कैडिस फ्लाई स्पीशीज़ है जिसका नाम कोरोना वायरस के नाम पर रखा गया और आपको इसका जूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम याद रखना है और वो क्या है? पोटामोफाइलैक्स कोरोना वायरस। ओके चलिए, अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर जो कि मीठे पानी में मिलती है, झील हो गई, पॉन्ड हो गया, है ना। सो फ्रेश वाटर फिश नेम्ड पंक्टिस सैंटस, पंटियस सैंटस हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से राज्य में ये फिश पाई गई है या देखने को मिली है? केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु? पंटियस सैंटस तमिलनाडु में ये डिस्कवर हुई है या देखने को मिली है। पंटियस सैंटस फिश है, फ्रेश वाटर फिश है जो कि वेलनकानी इन तमिलनाडु में देखी गई है, तमिलनाडु पंटियस सैंटस, और ये सिप्रिनडी जो फैमिली है उसको बिलोंग करती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सिल्वर फिश है जो कि सिर्फ 7 सेंटीमीटर, बहुत छोटी फिश है ये, है ना, 7 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है एंड लोकली इसको पराल कहते हैं केरला में और केंदे कहते हैं तमिलनाडु के अंदर। फाइन, तो ये फिश ऐसा नहीं पहली बार मिली, ये स्पीशीज पहली बार देखने को मिली है। फिश जो वैरायटी है जैसे केंदी जो हुई, तो ये जो पंक्टिस फिश होती है, पंक्टिस फिश केरला तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन एक नई प्रजाति इसकी, एक नई स्पीशीज खोजने में आई है और उसका नाम रखा गया है पंक्टिस सैंटस तमिलनाडु में। अच्छा, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आई हैड थॉट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी पर मैं भूल गई, कोई बात नहीं। जो ये जोलॉजिकल नॉमिनक्लेचर होते हैं, जैसे इसको नाम दिया पंटियस सैंक्टस, तो कौन सी एक गवर्निंग अथॉरिटी है जो कि ये नाम देती है? बायनॉमियल नॉमिनक्लेचर किसी ने हमें बता दिया, वो आप ही मुझे दोगे कमेंट में किसने दिया, लेकिन अब ये जैसे नई स्पीशीज़ मिली तो इसका नामकरण कौन करेगा? तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर। ये जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ नई मिलती है उनका नामकरण ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। सो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, जूलॉजिकल मतलब एनिमल से डील करता हुआ होता है। रिसेंटली अ फंगस हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच सोशल मीडिया, अब जो नामकरण हो रहे हैं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी नाम दिया गया है। सो एक फंगस है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर नाम दिया गया है, फंगस को, तो वो कौन सा सोशल मीडिया है जिसके ऊपर ये नाम मिला? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? आंसर इज ट्विटर, और जो फंगस है वो है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। एक्चुअली में ये जो आपको एनिमल दिख रहा है ये फंगस नहीं है, ये एक मिलीपीड है जिसको कि आप हिंदी में आई डोंट नो सौपेरी बोलते हो, बहुत सारे पाँव वाला एक इंसेक्ट होता है, सो इट इज़ दैट। और इसके बॉडी पे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैक कलर के 2 स्पॉट्स पाए गए, तो एक बायोलॉजिस्ट थी डेनमार्क की जो कि ट्विटर पे काम कर रही थी, उस समय उन्होंने एक फ़ोटो देखी एक मिलीपीड की, अमेरिकन मिलीपीड था और उसको कैम्बेला एन्युलेटा कहते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इम्पॉर्टेंट, और उसके बॉडी पे उन्होंने देखा उस पिक्चर में एक ब्लैक स्पॉट्स थे। फिर उन्होंने रिसर्च की तो बहुत सारे ऐसे मिलीपीड का उन्होंने अपने लैब में डिस्क्रिप्शन मिला जिनके ऊपर एक दो, या पिक्चर मिली जिनके ऊपर एक दो ब्लैक स्पॉट्स थे। फिर इसकी स्टडी की तो पता लगा वाला हमें एक नई फंगस की वैरायटी या फंगस की स्पीशीज मिली है, तो इस तरह से खोज हुई एक नई फंगस की स्पीशीज की, और उस फंगस का नाम क्या रखा गया? ट्राइग्लोमाइसिस तो जीनस है ही, ट्विटेरी, वाई? बिकॉज ट्विटर पे काम करते करते ये डिस्कवर हुआ था, तो सिंस द फंगस वॉज डिस्कवर्ड ऑन ट्विटर इसलिए उसका नाम रख दिया ट्राइग्लोमाइसिस ट्विटेरी। तो ये किसकी स्पीशीज है? फंगस की स्पीशीज है, फंगस की, ट्विटर पे काम करते करते फंगस दिखा। चलो, 7 स्पीशीज ऑफ वाटर ट्रेडर्स पाई गई हैं। वाटर ट्रेडर्स क्या होते हैं पहले मैं बता देती हूँ, ये भी एक इंसेक्ट है जो कि पानी के ऊपर ऊपर या तो चलते रहते हैं या भागते रहते हैं, पानी के अंदर नहीं डूबते, गीले नहीं होते, क्योंकि इनके बॉडी पे इस तरह का पूरा सिस्टम है, डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आज की क्लास में ज़रूरी नहीं है। सो इतना समझिए, वाटर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स यानी कि जो पानी पे चलता हो, राइट?
तो उसकी ऐसी 7 नई स्पीशीज मिली हैं इंडिया में। थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने 7 स्पीशीज खोजी हैं वाटर ट्रेडर्स की। ऐसे सेमी अक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, सेमी अक्वेटिक क्योंकि पानी के ऊपर रहते हैं, गीले नहीं होते, अंदर जाने का काम नहीं है इनका, एंड दैट कैन वॉक और रन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। और ये जो 7 स्पीशीज हैं ये कहाँ कहाँ से मिली हैं? अंडमान, मेघालय और तमिलनाडु से। अंडमान आइलैंड से जो स्पीशीज मिली है उसका नाम है मीजोवेलिया अंडमाना। जो जीनस है इस पूरे वाटर ट्रेडर इंसेक्ट का वो है मीजोवेलिया, मीजोवेलिया। हाँ, तो वेले की तरह ऊपर ऊपर घूमता रहता है ये। सो मीजोवेलिया अंडमाना क्योंकि अंडमान आइलैंड से मिला है। मीजोवेलिया आईसीआरसी एंड बिस्पिनोसा मेघालय से मिली है। अच्छा, अब आपको ना इनके स्पीशीज के एक एक नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा वाटर ट्रेडर्स हैं। वाटर ट्रेडर्स मीजोवेलिया अंडमाना, बिस्पिनोसा, आईसीआरसी, टिन्यूया, ओकल्टा, डायलाटा और ब्रेविया। थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अंडमान से मिला है, अंडमाना मिला है, मेघालय से ये दो मिले हैं, बी आई है ना, या आई बी करके आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा। तमिलनाडु से मिला है ओकल्टा और टिन्यूया, और मेघालय और तमिलनाडु दोनों में डायल टाटा और ब्रेविया दोनों में देखने को मिले हैं। हल्का सा दिमाग में सेट रखिएगा, एकदम पक्का पक्का रटने की जरूरत नहीं है, हिंट आएगा तो काम चल जाएगा आपका। ओके, चलिए फिर हम आते हैं यूफ्रांटा सिरुवानी। ये एक फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई ये आपको जो दिख रही है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूफ्रांटा सिरुवानी जो एक नई स्पीशीज खोजी है वो किसकी है, तो इट इज़ ऑफ अ फ्रूट फ्लाई, ये भी एक इंसेक्ट है। और ये कहाँ से खोजी गई है, तो देखो आपको सिरुवानी जो इसका स्पीशीज नेम दिख रहा है, ये सिरुवानी हॉटस्पॉट जो है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर सिरुवानी जो कि एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स में, इसलिए इसको यूफ्रांटा सिरुवानी नाम दिया गया है। फ्रूट फ्लाई है और ये तमिलनाडु में डिस्कवर हुई है, तमिलनाडु में डिस्कवर हुई है, ठीक है। सो तमिलनाडु के अंदर एक हमने फिश देखी पहले, क्या नाम था? पंटिस सैंटिस, याद है कुछ? पंटिस सैंटिस, ओके, ये भी तमिलनाडु में हमने देखी। उसके बाद हमने वाटर ट्रेडर्स भी तमिलनाडु से 2 स्पीशीज मिली हैं, ठीक है, उसके अलावा यूफ्रांटा सिरुवानी, ओके। चलिए फिर हम आते हैं क्रिटोडायलैक्टिस अरुणाचलेंसिस। क्रिटोडायलैक्टिस बोलिए, क्रिटोडैक्टिलिस, आई वॉज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉरी। अब इसको सिर्टोडैक्टिलिस बोलिए या क्रिटोडैक्टिलिस बोलिए, सो इट इज़ अ जीनस और अरुणाचलेंसिस एंड इट इज़ बेसिकली अ गेको। गेको क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लिजर्ड ओनली, थोड़ी सी उसमें फीचर्स डिफरेंट होते हैं। सो गेको जो लिजर्ड है उसी की एक स्पीशीज है जिसका नाम है क्रिटोडैक्टिलिस अरुणाचलेंसिस, और नाम से ही समझ में आ गया होगा अरुणाचल में ये मिली होगी। सो गेको स्पीशीज है जो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। इसको बेंट टोड गेको भी कहा जाता है। सवाल ऐसे भी बन सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज है कि जो क्रिटोडैक्टिलिस अरुणाचलेंसिस है वो किसकी स्पीशीज है, बेंटो गेको की है, कोई और फीचर दे दिया गेको का, या जनरल लिजर्ड बोल दिया, डेजर्ट लिजर्ड बोल दिया, तो यू मस्ट नो इट इज अ बेंट टोड गेको एंड नेम्ड आफ्टर, क्योंकि ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मिली थी इसलिए इसका नाम अरुणाचलेंसिस स्पीशीज दे दिया गया, क्रिटोडैक्टिलिस अरुणाचलेंसिस। ऑलराइट, तो एक अरुणाचलेंसिस आपने पिट वाइपर में देखा, वो पहला सांप है जिसको कि अरुणाचल स्टेट के बेसिस पे नाम मिला है, और ये है क्रिटोडैक्टिलिस, और ये क्या है? एक गेको है, इट इज अ गेको। ऑलराइट, देन न्यू ग्रास हॉपर स्पीशीज डिस्कवर्ड। ये ग्रास हॉपर है, कहीं से नहीं दिख रहा ग्रास हॉपर जैसा, लेकिन ये ग्रास हॉपर है। और ग्रास हॉपर्स के बारे में देखा है कि जब सूर्य उदय होगा, सूरज को भास्कर भी बोलते हैं, जब सूरज आता है तो ग्रास हॉपर फुदकना चालू हो जाते हैं यहाँ वहाँ, तो इसका जो नाम रखा गया है वो भास्कर से मिलता जुलता है, ये मैं याद करवा रही हूँ। एक्चुअली में जो वो भास्कर हैं वो ये हैं, अभी ये सब हम देखेंगे। तो ये नया ग्रास हॉपर की स्पीशीज डिस्कवर हुई है, भास्कर से मिलता जुलता इसका नाम है। सो आप देख लेते हैं, 116 साल बाद एक नई ग्रास हॉपर की स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई है श्रीलंका के सिनराज रेन फॉरेस्ट के अंदर। 116 साल बाद श्रीलंका में एक नई ग्रास हॉपर स्पीशीज डिस्कवर हुई है और उसका नाम रखा गया है क्लैडोनोटिस, जीनस हो गया भास्करी, क्लैडोनोटिस भास्करी। तो अब ऐसे याद रखेंगे आप इसको, क्लैडोनोटिस भास्करी किसकी स्पीशीज है?
ग्रास हॉपर की स्पीशीज है। जैसे ही भास्कर उदय होता है, सूरज उदय होता है, ग्रास हॉपर्स फुदकना चालू कर देते हैं। तो ये भास्कर ये एक ग्रास हॉपर की स्पीशीज है। और 28 ईयर ओल्ड इंडियन ऑर्थोप्टेरिस्ट, ऑर्थोप्टेरिस्ट कौन होते हैं जो कि ग्रास हॉपर्स की स्टडी करते हैं, ऑर्थोप्टेरिस्ट, तो उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। ये इंडियन ऑर्थोप्टेरिस्ट हैं और श्रीलंकन स्पीशीज ऑफ ग्रास हॉपर को इनके नाम पे रखा गया है। धानीश भास्कर इनका नाम है और ये केरला को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लूप्ड थ्री रिंग बटरफ्लाई। लूप्ड थ्री रिंग बटरफ्लाई नई स्पीशीज नहीं है, ये पहले भी देखी गई थी लेकिन अब ऑलमोस्ट 6 decades बाद यानी 60 सालों के बाद ये देखने में आई है, 61 years के बाद, और इसलिए ये सुर्खियों में आ गई है। त्रिपुरा के अंदर ये देखने को मिली है। इसका साइंटिफिक नेम है यिप्थीमा वाट्सोनी। यिप्थीमा वाट्सोनी, व्हाट, इतनी सोनी बटरफ्लाई कहाँ थी इतने टाइम से? आप याद रख सकते हैं यिप्थीमा वाट्सोनी किसकी स्पीशीज है, बटरफ्लाई की स्पीशीज है। सो दिस यू कैन लर्न। और रीडिस्कवर हुई है ये, इट हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड आफ्टर 61 years, जाम्पुई हिल्स त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, वाट्सोनी। देन फैन थ्रोटेड लिजर्ड, फैन थ्रोटेड लिजर्ड, ये देखो इसके थ्रोट में जो फैन आपको दिख रहा है, फैन थ्रोटेड लिजर्ड, और ये कहाँ डिस्कवर हुई है, कर्नाटका में। तो देखो लिजर्ड का एक नाटक ही हुआ ना, कि अगर किसी को डराना हो या मेटिंग के टाइम पे ये इनका जो फैन है ये काम करता है, तो ये एक तरह से इनकी बॉडी का एक बहुत प्यारा सा नाटक है। वाह, ये लिजर्ड तो नॉर्मल है पर इसका फैन देखो, तो कर्नाटका से आप एसोसिएट करेंगे। और इसका नाम है सिताना धारवारेंसिस, धारवारेंसिस, क्योंकि ये धारवार क्रेटन में पाई गई, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स पुराना एक पूरा लैंडमार्क है। सो सिताना धारवारेंसिस ये एक कौन है, लिजर्ड है, फैन थ्रोटेड लिजर्ड है और कर्नाटका में डिस्कवर हुई है। डिराइव फ्रॉम धारवान क्रेटन और पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो कि 2 to 3 billion years पुराना है, मिलियन भी नहीं, बिलियन ईयर्स पुराना है। सो उसको धारवान क्रेटन कहते हैं और वहाँ पे क्योंकि पाई गई है इसलिए इसको कहा गया सिताना धारवारेंसिस। ऑलराइट, देन न्यू ट्री फ्रॉग जीनस। अब बस प्लांट्स वेराइटी पे आने वाले हैं, एनिमल नॉट वेराइटी, में इतनी देर से वेराइटी क्यों बोल रही हूँ, स्पीशीज। सो नई ट्री फ्रॉग जीनस डिस्कवर हुआ है, पूरा का पूरा एक जीनस डिस्कवर हुआ है, एक स्पीशीज नहीं, पूरा एक जीनस डिस्कवर हुआ है और उसको नाम मिला है रोहनिक्सैलिस। रोहनिक्सैलिस किसके नाम के ऊपर, श्रीलंकन टेक्सोनोमिस्ट रोहन पैथियागोडा के नाम पे रोहनिक्सैलिस नाम मिला है। और ये जो पूरा जीनस है ये एंडमैन आइलैंड्स में खोजा गया है, इंडिया एंडमैन आइलैंड्स, यहाँ पे रोहनिक्सैलिस किसका जीनस है, ये फ्रॉग का जीनस है और इसको नाम पड़ा है श्रीलंका के टेक्सोनोमिस्ट रोहन पैथियागोडा के ऊपर। चलिए, ड्रैगन शार्क आखिरी है एनिमल्स में, फिर हम प्लांट स्पीशीज की तरफ मूव करेंगे। सो ड्रैगन शार्क, बेसिकली शार्क हमें पता है, शार्क के टीथ भी हमें पता है, ऐसे शार्प होते हैं, काटने फाड़ने के लिए बने हुए होते हैं, लेकिन ये 300 million year old शार्क के टीथ हैं जो कि स्केल्स जैसे दिख रहे हैं आपको, और ये काटने फाड़ने के लिए नहीं बने, क्रश करने के लिए बने हैं। और ये अगेन बहुत फॉसिल जो थे 2013 में मिल गए थे, लेकिन अब जाके इसको पूरा एक्सकेवेट करके और अब इसका नामकरण किया गया है, नेमिंग की गई है। सो ये साइंस हैं कि दे आर अ वेरी डिस्टिंक्ट स्पीसीज, ये शार्क की कोई अलग ही प्रजाति है। जो शार्क हम देखते हैं वो शार्क्स ये नहीं हैं, और जो हमारे नॉलेज में थी वो शार्क्स भी ये नहीं है। तो 7 years ऑफ एक्सकेवेशन के बाद अब इसका नाम पड़ा है ड्रैकोप रिस्टिस हॉफमैनोरम, और इसको हॉफमैन ड्रैगन शार्क भी कहा जाता है। सो ड्रैगन शार्क, ड्रैगन्स के टाइम यानी बहुत पुराने समय में ये शार्क्स मौजूद रही होंगी, और ये इसके टीथ का पिक्चर है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज सारी हो गए। आई रियली होप छोटे छोटे जो मैंने हिंट दिए हैं उससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं प्लांट स्पीशीज की तरफ, और सबसे पहला जो प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुआ है वो एक पाइपवर्ट है। पाइपवर्ट्स बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और ये बेसिकली मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ दवाइयों वाले गुण होते हैं। ओके, सो 2 new species ऑफ पाइपवर्ट्स वर डिस्कवर्ड, कौन से स्टेट में, इंडिया के स्टेट्स के अंदर 2 new species पाइपवर्ट की देखी गई, और इनको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसलिए ये नाइटमेयर ऑफ यू नो द बॉटनिस्ट भी कहे जाते हैं कि इनको ढूंढो फिर अलग अलग स्पीशीज पता लगाओ, बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज छोटा सा तो प्लांट है, उसमें भी फ्लावर बहुत छोटे हैं, स्टेम्स बहुत छोटी है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई। एनीवेज, सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
कौन से दो स्टेट्स हैं जिनमें दो नई स्पीशीज पाई गई हैं? आंसर इज ए एंड बी, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पे पाइपवर्ट की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ये जो इरियोकॉलोन कार्वलेंस है ये कर्नाटका में पाया गया, और ये जो आपको पार्विसिफेलम दिख रहा है ये महाराष्ट्र में खोजा गया। सो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इनकी, और ये वेस्टर्न घाट्स में देखे गए हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका में पाइपवर्ड्स मिले हैं। पाइपवर्ड क्या है? प्लांट्स हैं, मेडिसिनल वैल्यू ये रखते हैं। और जो महाराष्ट्र से स्पीशीज मिली है एरियोकॉलिन पार्विसिफेलम, कर्नाटका वाली कैसे कर्नाटका कैसे कार्वलेंस याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। देन न्यू स्पीशीज ऑफ पोचुलाका, पोचुलाका एक अगेन प्लांट है और इस पर फ्लावर लगता है बहुत सुंदर सा, पिक्चर आपको ये दिख रही है, इसको सन रोज भी कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और ये कौन से स्टेट में खोजा गया है, डिस्कवर किया गया? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पोचुलाका, ओके पोचुलाका। आंधी चली बहुत तेज और ये उड़ता उड़ता फूल एकदम सामने आ गया और आपने बोला अरे फोटो लो कितना सुंदर फूल है, ऐसा सा कुछ सीन बना करके फोटो से पोचुलाका आप कर सकते हो। और क्योंकि पिंकिश रेडिश सा फ्लावर है तो लालजी, पोचुलाका लालजी इसका नाम पड़ा है। दिस इज द स्पीशीज, और यस सन रोज इसको बोलते हैं। ईस्टर्न घाट्स में ये देखा गया है आंध्र प्रदेश में। सो आंधी में ये डिस्कवर हुआ ऐसा याद करवा रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं, बहुत मेहनत करके साइंटिस्ट ढूंढते हैं ये सारी चीज़ें। सो आंधी से आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, फोटो ली है तो पोचुलाका लाल जी, इट इज़ अ प्लांट वेराइटी सन रोज। चलिए फिर आता है एक नई वेराइटी जो कि डेवलप की गई है, ये डिस्कवर नहीं हुई ये डेवलप की गई है। सो इट इज़ अ वीट वेराइटी, नाम क्या है? मैक्स 6478, MACS 6478, इट इज़ अ वीट वेराइटी। किसने डेवलप की है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में पड़ता है, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ऑलराइट, सो इन्होंने ये डेवलप की है वीट वेराइटी, जल्दी राइप हो जाती है, मच्योर हो जाती है, और ईल्ड क्रॉप ईल्ड जो है वो डबल हो गया है, यानी कि जो पैदावार होती है वो नॉर्मल गेहूं से डबल देता है, मच्योर कम टाइम में हो जाता है, कहीं मैंने लिखा होगा 110 दिन में, और लीफ और स्टेम रस्ट जो बीमारी होती है इन पौधों में उनसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है, मतलब ये बीमारियां भी लीफ और स्टेम में नहीं होती हैं, ओके। और ये जो पूरा ट्रायल किया गया नई, ये जो स्पीशीज थी वैरायटी थी जो वीट की वो डाल करके ग्रो करने की, तो ये सतारा विलेज महाराष्ट्र में देखा गया और क्रॉप यील्ड डबल हो गई, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन है। चलो सो अब ये जो न्यूली डेवलप्ड कॉमन वीट है इसको हाई ईल्डिंग एस्टाइवम भी कहते हैं, और यहीं पे आपका अगला सवाल आता है। चलिए मुझे बताइए वीट का बॉटनिकल नेम, ओके व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन वीट, कॉमन वीट का जल्दी से कॉमेंट करो। चलो फिर हम आते हैं फ्लड रेजिस्टेंट पैडी इन असम। असम के अंदर एक ऐसा पैडी डेवलप किया गया, पैडी यानी राइस जो कि फ्लड रेजिस्टेंट है। फ्लड रेजिस्टेंट का मतलब कि अगर वहाँ पे बाढ़ आती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में अक्सर आ जाती है तो उस बाढ़ से वो फसल खराब नहीं होगी, फ्लड रेजिस्टेंट होगा। सो असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये जो वेराइटी है ये डेवलप की गई और कल्टिवेट की गई है, और ये वेराइटी है रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन, बहादुर सबवन, तो रंजीत स्वर्ण बहादुर ऐसे आप याद रखेंगे, असम में तीन बहादुर हैं, रंजीत स्वर्ण बहादुर, और इन्होंने ये पैडी जो नई वैरायटी है वो डेवलप की है जो कि क्या है, फ्लड रेजिस्टेंट है, रंजीत स्वर्ण बहादुर याद रहेगा। चलिए न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी, नाउ मैरीगोल्ड इज व्हाट, गेंदा, गेंदे के फूल जो होते हैं। सो एक नई वैरायटी डेवलप की गई है मैरीगोल्ड या गेंदे की जो कि बहुत रिच है कैरोटीन में। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन येलो ऑरेंज, नॉट ग्रीन, येलो ऑरेंज रेड, ये जो कलर होते हैं ना फ्लावर्स में या फ्रूट्स में, उनको ये कलर कौन देता है? कैरोटीन देता है, ठीक है। जैसे कैरेट के अंदर कैरेटीन होता है, गेंदे के अंदर कैरेटीन होता है, मैंगो के अंदर कैरेटीन होता है। तो अब आ जाते हैं पहले न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी के ऊपर, किसने डेवलप की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो बागवानी से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं हॉर्टिकल्चर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। इसका नाम है अर्कशुभ। सवाल बन सकता है अर्कशुभ इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्लावर? रोज, मैरीगोल्ड,
जैस्मीन, सनफ्लावर, आपको पता होना चाहिए, मैरीगोल्ड, अर्क, शुभ अर्क, क्योंकि इससे जो अर्क निकलेगा, ऐसे समझ लीजिए आप गेंदे को पिचकाओगे तो जो अर्क निकलता है, तो अर्क शुभ इसका नाम दिया गया है। इसकी खास बात क्या है, कैरेटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 2.8% नॉर्मल गेंदे में 1.4% होता है, और किसी भी प्लांट में सबसे ज़्यादा 2.8% इसके अंदर डेवलप हुआ है। नाउ ये जो है ये क्रूड कैरेटीन के लिए काम में लिया जा सकता है। ये फ्लावर खराब भी हो जाए, जब पूरा फुल ब्लूम पे आ जाता है फ्लावर, उसके बाद धीरे धीरे विदर होने लग जाता है, थोड़ा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके बाद भी ये कैरेटीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो ये हो गई अर्क शुभ की बात। और बीटा कैरेटीन में बता देती हूँ, बीटा कैरेटीन प्लांट पिगमेंट है जो कि रेड, ऑरेंज, येलो कलर देता है वेजिटेबल फ्रूट या फ्लावर्स को। और ह्यूमन बॉडी में ये जो बीटा कैरेटीन है ये विटामिन ए की तरह कन्वर्ट करके यूज़ में लिया जाता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, विटामिन ए इज रेटिनॉल, आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए, न्यू डाफ वैरायटी ऑफ कैश्यू, काजू किस किस को पसंद है? काजू की एक नई डॉफ यानी छोटी वैरायटी डेवलप की गई है, उसको नाम दिया नेत्रवमन। काजू नेत्र के सामने आती है, आहा हा हा, मन कितना खुश हो जाता है, नेत्र वामन, ठीक है, तो नेत्र से भी काम आ जाएगा। और वामन देव थे ना छोटे भगवान, तो वामन से भी आप याद रख सकते हो, नेत्र वामन। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो कैश्यू की नई डॉफ वैरायटी है उसका नाम दिया है नेत्रवामन, या नेत्रवामन किसकी वैरायटी है, काजू की वैरायटी है। और इसको डेवलप किया है पुतूर कर्नाटका के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पुतूर कर्नाटका। ओके, और ये हालांकि इसमें यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि बहुत सारे काजू नहीं निकलेंगे, लेकिन ये शेड में भी उगाया जा सकता है, और अगर आपको घर पे अपने करना हो, प्लांट लगाना हो, तो लग सकता है, इसलिए डेवलप किया गया है। ओके, चलिए, फिर कल्टीवेशन ऑफ एसफीटिडा। एसफीटिडा क्या होता है, हींग होती है। इंडिया इज नॉट नोन फॉर हींग कल्टिवेशन, हमारे यहाँ पे हींग नहीं उगाई जाती, लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट पिछले साल हुआ इसलिए न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है। हींग का साइंटिफिक नेम है फेरुला एसफीटिडा, फेरुला एसफीटिडा। और ये जो एसफीटिडा है ये ठंडी और ड्राई जगहों पर उगती है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश का जो लाहुल इलाका है, लाहुल वैली जो है, लाहौल वैली बोलो, लाहुल वैली बोलो, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करो, वहाँ पे हींग की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई है, और 3 साल में पहली बार इसका रेजिन बनता है जिससे कूट के हींग का पाउडर बनाया जाता है। हम लोग अभी तक इम्पोर्ट करते थे हींग अफगानिस्तान से, ईरान से और उज़्बेकिस्तान से। ओके, और हर साल अप्रॉक्सीमेटली $100 million इस पे हमारा खर्च आता था। अब हमने ईरान से ही सीड ला करके और ये पौधा लाहौल या लाहुल जो वैली है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ उगाया है और वहाँ इसकी कल्टीवेशन चालू की है। दैट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट फॉर इंडिया, याद रहेगा, लाहुल एसफीटिडा, जिसे हींग बोलते हैं, फेरेला एसफीटिडा। न्यू स्पीशीज ऑफ एल्पाइन प्लांट। अब एल्पाइन प्लांट जो कि ठंडी और ऊंची जगहों पर लगते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एल्पाइन प्लांट की एक नई स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, और इसका जो नाम है वो है क्रीमेंथोडियम इंडिकम। क्रीमेंथोडियम इंडिकम, देखो क्रीम कलर का है ना ये, इसको हिमालयन सनफ्लावर भी बोलते हैं, हिमालयन सनफ्लावर, तो ये क्रीम कलर का है, तो क्रीमेंथोडियम इंडिकम याद रखिएगा। ओके, और ये कहाँ देखने को मिला है, हिमाचल प्रदेश में भी, तवांग डिस्ट्रिक्ट में पेंगा तेंगसो लेक है, वहीं का ये एंडेमिक है, यानी उसी के आसपास देखने को मिलता है, बाकी जगह अरुणाचल में भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये हिमालयन सनफ्लावर की एक नई स्पीशीज़ है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया है IUCN की गाइडलाइंस के हिसाब से। IUCN का फुल फॉर्म जल्दी से लिख के मुझे दो, IUCN, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस, चलो बताओ। सो IUCN के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए इंडिकेट कर दिया इसने कि मैं बहुत एंडेंजर्ड हूँ, तो इंडिकेटम आप याद रखिएगा। क्रीमेंथोडियम इंडिकम इज द न्यू स्पीशीज ऑफ एल्पाइन प्लांट, कहाँ मिला है, अरुणाचल प्रदेश में। सो विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज, माई डियर स्टूडेंट्स, माई डियर फ्रेंड्स, वी आर डन विद ऑल द न्यू स्पीशीज विच वर डिस्कवर्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ईयर 2020 एंड 2021। कुछ 2019 के एंड में जो हुई थी वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। आई रियली होप सब कुछ याद हो गया होगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसका आइडिया मिल गया होगा। सो अब आगे आने वाले टाइम में कोई और स्पीशीज डिस्कवर होती है तो इसी तरह से दिमाग में फिट इन कर लीजिएगा। PDF इसका आपको मिल जाएगा परचम क्लासेस.in वेबसाइट पे,
और अगर आपको पूरा पीडीएफ बैंक लेना है जिसमें पूरे एक साल के पीडीएफ आते हैं तो वो आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। एंड जितने भी मंथली करंट अफेयर हैं 2020 के, वो भी परचम ऐप पे आपको वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएंगे। सो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं विद अनदर लेक्चर। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। टाटा।